हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश 1 का चैप्टर 7th का हमारा फर्दर पार्ट, जो कि है पार्ट 3, जिसका नाम है टी फ्रॉम आसाम। ये थर्ड स्टोरी है हमारी, जिससे हमें लिखना है कि आसाम की टी के बारे में लिखा गया है। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम आसाम। आसाम किससे बिलोंग करने वाली एक यंगस्टर या एक लड़की है, प्रांजल यंग लड़की है, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में पढ़ती है और उसके क्लासमेट का नाम है राजवीर। प्रांजल्स फादर इज अ मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम। प्रांजल के जो फादर हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के, जो अपर आसाम में है। एंड प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन। समर वैकेशन में प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को इन्वाइट किया है कि वो आसाम आए। चाय गरम, गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और आवाज आ रही है चाय गरम, गरम चाय। एक वेंडर या चाय बेचने वाला चिल्ला रहा है ऊंची आवाज में। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क। वो उनकी विंडो के पास आता है और उनसे पूछता है, चाय साहब, गिव अस टू कप्स। प्रांजल से प्रांजल कहती है, हमें दो कप दीजिए। दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो और राजवीर दोनों भी गरम गरम गर्मा गर्म चाय को टेस्ट कर रहे होते हैं, सिप करते होते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। और उनके कंपार्टमेंट में बैठे हुए हर इंसान टी को टेस्ट कर रहा होता है, या कह सकते हैं कि चाय पी रहा होता है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर कहता है कि क्या तुम जानती हो प्रांजल कि 80 करोड़ कप ऑफ टी जो है वो हर दिन थ्रू आउट द वर्ल्ड पी जाती है। व्यू, एक्सक्लेम प्रांजल। प्रांजल कहती है, ओह, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी जो है वो सच में बहुत ही पॉपुलर चीज है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। ट्रेन जो है इतने में वहां से आगे बढ़ने लगती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल जो है एक डिटेक्टिव बुक पढ़ रही होती है, वो अपनी ध्यान को वापस उस बुक में लगाती है। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर जो है वो भी बहुत बड़ा फैन होता है डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का, बट एट द मोमेंट ही वॉज keener on looking that a beautiful scenery. लेकिन उस समय राजवीर बहुत ही इंटरेस्टेड होता है बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी देखने में। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह उसे सिर्फ ग्रीनरी दिखती है। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इसके पहले कभी इतनी ग्रीनरी नहीं देखी होती। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. और देख रहा होता है कि soft soft green paddy fields जो है उसमें ही tea bushes जो हैं वो भी दिख रही हैं आस पास में। इस तरह से राजवीर को देखता है। It was a magnificent view. वो कहता है ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। Against the backdrop of densely wooden hill, a sea of tea bushes. मतलब बिल्कुल देखें कि densely wooded hills जो हैं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, densely wooded जो हैं, उसके नीचे देखो तो tea bushes हैं जो stretch किए गए हैं as far I could see. मतलब जितने दूर नजरें जा रही हैं सिर्फ ये टी के या चाय के बगान ही दिख रहे हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall sturdy shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और dwarfing मतलब छोटे छोटे या बोने बोने टाइनी टी प्लांट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं स्टडी शेड ट्रीज के बीच में। एंड स्टडी शेड ट्रीज हैं और एडमिस्ट कर ली हैं। Orderly rows of bushes busily moved like doll-like figures. Doll-like ऐसे खड़े हुई ऐसे छोटे छोटे से पेड़ जो है dwarfing वो दिख रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. थोड़े दूर पर एक अगली सी या गंदी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसमें से स्मोक जो है या धुआं जो है वो निकल रहा है उसकी चिमनीज में से। Hey, a tea garden! राजवीर cried excitedly. राजवीर बहुत ही एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर कहता है, ए, यहाँ पर टी गार्डन दिख रहा है। प्रांजल, who had been born and brought up on the plantation, did not share राजवीर's excitement. लेकिन प्रांजल, जो कि बचपन से वहीं रही है, उसका बर्थ ही वहाँ हुआ है, तो उसके लिए ये चीज़ इतनी एक्साइटमेंट वाली नहीं थी, क्योंकि वो बचपन से ये सब देखती आ रही थी। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ, ही सेड। वो कहता है राजवीर कि मुझे लगता है कि अब ये टी की कंट्री आ चुकी है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। मतलब आसाम को सबसे लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन माना जाता है टी प्लांटेशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। वो कहती है कि तुम देखोगे और भी ज्यादा बहुत सुंदर सुंदर इनफ गार्डन तुम देखोगे जो तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर कहता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा था ट्री के बारे में। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देर आर मैनी लेजेंड्स। कोई भी ये नहीं जानता कि चाय किसने डिस्कवर की या चाय किसने चाय की खोज की, लेकिन बहुत सारे लेजेंड्स ऐसे हैं जिनका नाम आता है इसे लेकर।
तो यहाँ पर फिर प्रांजल कहती है कि वॉट लेजेंड्स, वेल देर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. मतलब एक तो एक चाइनीज एम्परर था जो हमेशा पानी को बॉइल करके पीता था. वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर. एक दिन ऐसे ही जंगल में वो था और वहां पर से पानी पीना था, तो उसने पानी को बॉइल किया. बॉइल करते करते ऊपर से पेड़ पर से आकर कुछ पत्तियां जो थी चाय की वो उसके पानी में गिर गई, जिसके कारण उस पानी का जो फ्लेवर था वो बहुत ही डिलीशियस या बहुत ही अच्छा आया. इट इज सेड देयर वर टी लीव्स, और उसके बाद से कहा गया कि ये चाय की पत्तियां हैं. टेल मी अनदर, प्रांजल कहती है कि दूसरा और कौन सा सुना है तुमने इस बारे में. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. वो कहते हैं इंडियन आदमी भी ऐसा कोई था जिसके बारे में सुना गया था. बोधि धर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेंट एस्केटिक. मतलब एक बुद्धिस्ट एस्केटिक था, बुद्ध को मानने वाला आदमी था. कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस. मतलब वो कहता था, मतलब उसने अपनी आईलिड्स को ही काट दिया था क्योंकि उसे हमेशा ही नींद आती रहती थी. जब भी वो मेडिटेशन करता या ध्यान लगाता उसे नींद आने लगती. 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और उसके बाद में 10 टी प्लांट्स जो थे वो उगे जब वहाँ पर आईलीड से बने. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश स्लिप. और उसके बाद पता चला कि ये जो पत्तियाँ थी ये जब आप पानी में डालकर उबाल कर उसे पीते तो आपकी नींद जो है वो उड़ जाती. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना. सबसे पहले राजवीर कहता है कि सबसे पहले चाय जो थी उसे चाइना में पिया गया था एज फार बैक एज 2700 BC. मतलब ये 2700 साल पहले की बात है या 2700 साल BC की बात है. इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चाइनी आर फ्रॉम चाइनीज, और ये सारे वर्ड्स जो थे ये भी चाइना से ही आए हैं, चाइनीज लोगों ने ही दिए हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century. यूरोप में 16th century में टी आई एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन ब्रेवरेज. ये ब्रेवरेज के रूप में, चाय, दूध, कॉफ़ी, ये ब्रेवरेजेस होते हैं, तो इसके बजाय मेडिसिन के रूप में यूरोप में से पिया जाता था या पिया जाता है. द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मारियानी जंक्शन. मारियानी जंक्शन में ट्रेन जो है पहुंचती है. द बॉयज कलेक्ट देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. बॉयज जो थे या वो लोग जो थे अपने चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, बॉयज जो है अपनी चीज़ों को लेते हैं यहाँ पर, और वो क्राउडेड प्लेटफॉर्म से जाने लगते हैं. दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रांजल जो है यहाँ पर लड़की नहीं होकर लड़के का नाम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बॉयज की बात की है. तो बॉयज जो है दोनों यंगस्टर बताया था कि दोनों भी यंग बॉयज हैं. तो प्रांजल और राजवीर जो हैं दोनों उस जंक्शन पर उतरते हैं, अपने लगेज को उठाते हैं, सामान को उठाते हैं और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करते हैं. प्रांजल के पेरेंट्स जो थे वो उसका वेट करते होते हैं. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स देकिया बारी, और फिर वहाँ से वो अपनी उनकी गाड़ी में बैठकर देकिया बारी की तरफ मूव करते हैं. द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर. प्रांजल के फादर जो टी गार्डन को मैनेज करते हैं वही होता है, वही नाम है देकिया बारी. एंड आर लेटर द कार वीड शार्पली ऑफ द मेन रोड. एक घंटे बाद कार जो है वो शार्पली मेन रोड पर आ जाती है. दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज. एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हैं और एंटर करते हैं देकिया बारी टी स्टेट में. बोथ साइड में ऑफ ग्रेवल रोड वेर एकर अपॉन एकर्स ऑफ टी बशेस. दूर दूर तक दोनों साइड में बहुत दूर बहुत एकड़ तक देखने को मिलते हैं सिर्फ टी के बशेस. ऑल नीटली प्रन टू अ सेम हाइट. और सभी एक जैसे एक ही हाइट के और बहुत ही नीटली लगाए हुए इस तरह से दिखते हैं. ग्रुप ऑफ ट्री प्लकर्स विद बाम्बू बास्केट ऑन देयर बैक. पीछे लकड़ी की बास्केट्स टंगी हुई हैं और टी प्लकर्स मतलब वो पत्तियों को तोड़ तोड़ के जो बास्केट में डालने वाले ऐसे ग्रुप दिखते हैं, बहुत दूर दूर तक दिख रहे होते हैं. वियरिंग प्लास्टिक एप्रंस, प्लास्टिक के एप्रंस ताकि उनके कपड़े खराब ना हो इसलिए पहने होते हैं. वियर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स. अभी अभी न्यूली स्प्राउटेड जो लीव्स है उन्हें प्लक कर रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं. प्रांजल्स फादर स्लो डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर. फिर प्रांजल के फादर अपनी कार को थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि जो एक ट्रैक्टर है वो वहाँ से पास हो जाए. पुलिंग इन ट्रेलर्स लोड ऑफ टी लीव्स टू पास. और ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारा टी लीव्स जो है वो भरा होता है, उसे जाने के लिए प्रांजल के फादर अपनी कार की स्पीड कम कर देते हैं. दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजेंट इट मिस्टर बैरियो. यहाँ पर राजवीर पूछता है कि ये सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड है ना, मतलब इस समय में ये प्लांट्स पूरी तरह से लीव्स मैच्योर हो जाते हैं जब उसे निकाला जाता है, ये सेकंड फ्लश है ना. इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी. वो कहते हैं कि ये मई टू जुलाई का पीरियड होता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा अच्छी टी हमें मिलती है, ऐसा प्रांजल के फादर कहते हैं. यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज.
प्रांजल के फादर कहते हैं कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क तो कर ही लिया होगा यहाँ आने से पहले। यस मिस्टर बाडुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर कहता है हाँ हाँ बिल्कुल हमने कर लिया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और ज़्यादा कुछ स्टडी करके जाऊँ जब मैं यहाँ आया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।